सारा कुछ सारी दिक्कत आ रही है मंडी दे विच। अगर साडा माल नहीं चकिंदा तां शॉर्टेज किन्नू पैणी है जी। माल सुक रहे झोना रोज सुकदा ही 100 ग्राम 200 ग्राम। मेरे किसान आके बैठे है, साडा अफसर ने साडे नहीं लाया सरकार ने, जे इन्होंने साडी गल ही नहीं सुननी तो फिर कादे साडे अफसर है। मान साहब कह रहे ने कि मंडी दे विचों दाना दाना चक्का जाऊ, असीं तां कहने भी इत्थे दाना दाना तां बड़ी दूर सीगा, इत्थे तां 3 लाख गट्टा नहीं चकींदा पिया। अनाज मंडी अबोहर च लिफ्टिंग दा काम बंद होण दे विरोध च किसानां वल्लों मार्केट कमेटी अबोहर विखे धरना प्रदर्शन कीता गया। इस मौके ते उन्हां वल्लों मार्केट कमेटी दे दफ्तर पहुंचे SDM दा घिराव भी कीता गया। बाद च SDM वल्लों दित्ते गए भरोसे तों बाद किसानां वल्लों अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिता जांदा है ते इस मौके उन्हां वल्लों जम के नारेबाजी भी कीती गई। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਹੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਏ, SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚਕਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਕਿੰਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਲ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਝੋਨਾ ਰੋਜ਼ ਸੁੱਕਦਾ ਜੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ 200 ਗ੍ਰਾਮ। देखो जी ये परसनल डिस्प्यूट है कि पता नहीं ट्रक यूनियन का रोल है, आपां नूं नहीं पता या ठेकेदार की दिक्कत है। सानू सारा मसला हल चाहिए, गड्डियां आन सानू कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मान डेली 80,000 तो 90,000 गट्टा लिफ्ट होना चाहिए, जबकि लिफ्ट हो रहा 35-40,000 गट्टे डेली तोल रहे, 40 तो 50,000। अगर 40-50,000 गट्टे तोल रहे है तो चकिंदा 30-35,000 रुपया रश आप ही पैना जी। परेशानी यह आ रही है, मांग ये कर रहे हैं जल्दी तो जल्दी सानू गड्डियां दित्तियां प्रोवाइड कराई जाए ताकि असी लिफ्टिंग दी जिहड़ा सारा सिस्टम है सही ढंग नाल चला सकें। इतने असी आए थे झोने वक्त सारिया जथेबंदियां नूं इन्होंने मीटिंग लई सद्या सी सैकटरी साहब ने सवेरे, असी 12 बजे इत्थे आए बैठे हाँ जी। पहले तो कार्ड का रौला सीगा जी, कोई गल नहीं साडी इन्होंने सुनाई की। इस तो बाद इन्होंने जिहड़ा लिफ्टिंग नहीं हो रही, 3 लाख गट्टा इत्थे भरिया पिया है सिर्फ गड्डियां दा, कोई ट्रकों वाले यूनियन दा, इन्हां दी यूनियनां दा आपस कोई रोला है, उस करके ट्रक आ नहीं रहे, गट्टे इत्थे 3 लाख तो वध पे है, असी झोना कित्थे सुटीए दसो। ये सानू परेशानी आई पी है भी जिहड़ा हुण झोना पूरा वापर स्टेज पे आउणा है, इस करके सानू परेशानी है। SDM साहब सवेर दे अंदर बैठे है, असी इस दफ्तर बैठे हैं, SDM इधर बैठे है, उन्होंने 12 बजे तो बैठे 3 बजे तक सानू आवाज भी मारी की रोला है, हुण सानू बकायदा बाहर आके बहना पिया, फिर हुण सानू आवाजा मार रहे भी साडी गल सुन लो। असी SDM साहब नूं इत्थे ही गल सुणांगे, इत्थे ही गल करांगे, असी अंदर नहीं जाणा। जदों 12 तो 3 बजे तक SDM नूं पता भी मेरे किसान आके बैठे है, साडा अफसर है साडे नहीं लाया सरकार ने, जे इन्होंने साडी गल ही नहीं सुननी तो फिर असी कादे साडे अफसर है? असी इत्थे बकायदा गल करांगे, असी कोई दफ्तर च मीटिंग नहीं करनी, साडा दे हक च खड़े आ ते उहनां दे हक च खड़े रहांगे। ਸਰਵਣ ਜੀ ਕਿਸ ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 8-9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ SDM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ 7-8 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਟਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਪਰ 0% ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਟਰੱਕ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਟਰੱਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ 3 ਲੱਖ ਗੱਟਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਖਰਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕੋਈ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 0% ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਗੱਟਾ ਨਹੀਂ ਚਕੀਂਦਾ ਪਿਆ।
दाना दाना तो चक्का ही कितों जाना जो गटे इन्हें ने गटे नहीं चकेंदे पे मंडिया के जो भंडार है मंडी तो तुम बाहर मेन नानकसर गुरुद्वारा साहब तक पहुँच चले है किसान मंडिया के दे लैके देखो कच्चा दे मंडी पूर जगह पूरी होने तो बाद किसान कच्चे आपका जो झोना ला के बैठे पर सरकार ज्यों की सरकार सुती पई है कोई ल सब आपकी जी रली मिली भुगत सैटिंग करके बैठे ने कोई ध्यान नहीं है। सर किसानों ने आज धरना लगाया आपके दफ्तर के बाद कि लिफ्टिंग नहीं हो रही है तो ये प्रॉब्लम कैसे आई और कब तक सॉर्ट आउट कर ना। इशू ये था कि अपना जो एफसीआई में ट्रक लगे हुए थे तो एफसीआई का वाला बंद करवा दिया है हमने तो वो जो वहाँ से जो ट्रक हैं वो सारे अब यहाँ लग जाएंगे। जैसे कल दिन में अपने 40,000 बैग की लिफ्टिंग हुई है पर ज़रूरत है कि हम उसको बढ़ा के 80,000 करें तो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट इनको बोल दिया कि मिनिमम 80,000 बैग रोज लिफ्ट हों जब तक कि ग्लट नहीं खत्म होता और दो दिन में ग्लट खत्म हो जाएगा। हाँ कितना यहाँ पर मतलब पड़ा है स्टॉक पड़ा है लगभग 1.5 लाख बैग अभी पड़ा हुआ है यहाँ पे और इसीलिए जैसे लगभग 50,000 या 60,000 बैग रोज का आ रहा है उससे ज़्यादा ही हम लोग लिफ्टिंग करा रहे हैं। अब क्योंकि एफसीआई वाला भी बंद हो गया तो लेबर खाली हो जाएगी तो कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 चक्कर भी लगा लें तो ये विद इन 2 डेज हम लोग ये ग्लट खत्म कर देंगे। हाँ हो जाएगा। एवन मीडिया ले अबोहर तो गुरनाम सिंह संधू की खास रिपोर्ट।